नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटेक्ट शीट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना, यानी कैसे सुरक्षा देना, ये इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे एक शीट हमें मैंने प्रिपेयर किया और उसका यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग जो है, यहाँ पे पर्सन एक्सपेंसेस बोल के और कुछ कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर किया, जैसे कि नेम, अमाउंट और मंथ बोल के। तो ये शीट को मुझे यानी सुरक्षा देना, यानी बेसिकली सबसे पहले जाना दोस्तों यहाँ पे, यानी रिव्यू मेनू के अंदर। जैसा आप रिव्यू मेनू के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट शीट बोल के, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो कंपल्सरी ये पासवर्ड देना पड़ेगा, ताकि वो मॉडिफाई यानी कुछ भी चेंजेस अगर करना है तो इस शीट के अंदर। तो और भी कुछ यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, सो अलो ऑल यूजर दिस वर्कशीट टू, मतलब उन्होंने क्या क्या कर सकते हैं यूजर अगर एक बार इसको अनप्रोटेक्ट करने के बाद। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, तो आप इसमें जो भी आपको ऑप्शन सूट करता है वो ऑप्शन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ पासवर्ड दे रहा हूँ पे, जैसे कि सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ पे 1234 बोल के। और उसके बाद में यहाँ पे री एंटर पासवर्ड पूछ रहा पे, जैसे कि मैंने री एंटर किया इसको, तो फिर इसको ओके बोल दीजिए। तो अभी ये जो ऑप्शन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट बोल के आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब है अभी जो शीट है अभी प्रोटेक्टेड हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा फिर, यानी कुछ चेंजेस करने के लिए ट्राई करूँ। जैसा मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा कुछ टाइप करने के लिए, मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसा मैंने कुछ टाइप करने के लिए मैंने कोशिश किया और ये जो मैसेज आ गया यहाँ पे, द सेल और द चार्ट दैट यू आर टाइपिंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर रीड ओनली। तो अभी जो फिलहाल जो शीट ओपन हुआ सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली के लिए है, तो अभी इसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल पासवर्ड। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक इसको आप कुछ भी चेंजेस या कुछ डिलीट करना या कुछ मॉडिफाई करना वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये है दोस्तों बेसिकली प्रोटेक्ट शीट इन एक्सेल बोल के। तो फिर से इसको वापस नॉर्मल करना है, तो यानी इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो इस पे ऊपर आप क्लिक करना, सेम जो रिव्यू मेन्यू के अंदर आपको जाना है, उसके बाद में अनप्रोटेक्ट शीट बोल के। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत पासवर्ड एंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो पासवर्ड सप्लाइड नॉट करेक्ट, मतलब जो भी मैंने पासवर्ड दिया था तो वो गलत है। तो अभी मैं डालूंगा यहाँ पे, यानी जो करेक्ट पासवर्ड मैंने दिया था, तो अभी इसको ओके बोल दीजिए। जैसा मैं ओके बोलूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं वापस यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ पे, अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो ये जो वैल्यू है जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है दोस्तों बेसिकली प्रोटेक्ट शीट का। शीट को एक बार आपने प्रोटेक्ट कर दिया तो, यानी पासवर्ड दिया तो, जो अनलेस अनटिल, मतलब जब तक आप पासवर्ड सही पासवर्ड नहीं डालें तब तक ये जो शीट है कोई भी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने बनाया था हाउ टू प्रोटेक्ट दी वर्क बुक, यानी पासवर्ड कैसे डालना चाहिए पूरा एक्सेल फाइल को, तो वो डिस्क्रिप्शन में है जो उसका जो लिंक है, अगर आपको वो जानना चाहते तो आप वो जो वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका जो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर डाल दिया। तो ये है दोस्तों आज का वीडियो प्रोटेक्ट शीट इन एक्सेल। अगला वीडियो के अंदर मैं फिर नया टॉपिक लेकर आऊँगा। अगर आप नया हो मेरे चैनल पर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।